दोस्तों आज की इस वीडियो में OBS अल्टरनेटिव के बारे में आपको बताने वाला हूं, जो कि OBS PC का सॉफ्टवेयर है और अगर आप इसे एंड्रॉइड में चलाना चाहते हैं इसका एक अल्टरनेटिव आपको बताने वाला हूं मैं एंड्रॉइड मोबाइल के लिए। इस ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको वहां से इसे जाकर डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर इसकी जो कुछ सेटिंग है मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको इसे ओपन करना है और यहाँ पर आपको साइनअप कर लेना है। किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, चाहे फेसबुक अकाउंट देकर आप साइनअप कर सकते हैं या अगर यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना चाहे उससे भी आप साइनअप कर सकते हैं। साइनअप करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको रेडी पर क्लिक करना है। रेडी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन आएगा सेट डेस्टिनेशन का, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसमें ऑप्शन देख सकते हैं आप, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। यूट्यूब या अगर आप कहीं अलग प्लेटफॉर्म से स्ट्रीम करना चाहते हैं ऑप्शन है, मैं यहाँ पर आपको यूट्यूब का बता रहा हूँ। आपको यहाँ पर यूट्यूब पर क्लिक करना है, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसमें दो ऑप्शन मिलते हैं, एक कनेक्ट यूट्यूब का और दूसरा है यूट्यूब कस्टम। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट अपने चैनल को लिंक करना चाहते हैं यहाँ पर कनेक्ट यूट्यूब पर क्लिक करके आप एक्सेस दे सकते हैं, और अगर आप की के माध्यम से लाइव करना चाहते हैं तब आप यूट्यूब कस्टम पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको एक की डालनी होगी। मैं आपको यहाँ पर की के माध्यम से करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं की का ऑप्शन आ रहा है। अब आपको की ढूंढने के लिए ये आपको चैनल में मिलेगी, आपने चैनल के जोड़ियो में जाना है और क्रोम ब्राउजर में आपको इसे ओपन कर लेना है। आपको यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करके गो लाइव पर क्लिक करना होगा। और आपको एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर डेस्कटॉप मोड आपको इनेबल करना होगा। अगर आप यहाँ से डेस्कटॉप मोड इनेबल नहीं करते तो ये वर्क नहीं करेगा, इसलिए आपको यहाँ पर डेस्कटॉप मोड अपना ऑन कर देना है क्रोम ब्राउजर में। सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर एडिट करके आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, थंबनेल लगा सकते हैं। यहाँ पर सभी ऑप्शन हैं और अगर आप पब्लिक या प्राइवेट करना चाहते हैं सभी ऑप्शन हैं यहाँ पर, ये आप सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर की चाहिए जो कि लाइव स्ट्रीम में आपको ये प्रिज्म ऐप जो है अभी मैंने बताया इसमें आपको ये डालनी है स्ट्रीम करने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको यहाँ से जो की है इसे कॉपी कर लेनी है। उसके बाद आपको वापस बैक आके यहाँ पर इसे स्ट्रीम की को आपको इसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। देख सकते हैं यहाँ पर ये चैनल से कनेक्ट हो जाएगा ये एप्लीकेशन। यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं, आप चाहे तो आप रेजोल्यूशन भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आप लाइव स्ट्रीम में कितना रेजोल्यूशन रखना चाहते हैं। यहाँ पर यूट्यूब के नीचे देख सकते हैं रेजोल्यूशन आ रहा है यहाँ पर, काफ़ी सारी सेटिंग है, यहाँ से आप कोई भी सेटिंग कर सकते हैं। तो ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करके आप अगर कैमरा ऑफ करना चाहते हैं कैमरा भी ऑफ कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं माइक ऑफ करना यहाँ पर माइक भी ऑफ कर सकते हैं। ये तो डायरेक्ट लाइव आने के लिए, अगर आप वैसे लाइव आना चाहते हैं डायरेक्ट वीडियो पे, और अगर आप स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर स्क्रीन शेयर करनी है, कोई म्यूजिक या वीडियो लाइव शेयर करनी है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर स्वाइप करना है। यहाँ से आप मीडिया पर क्लिक करके भी फोटो या वीडियो लगा सकते हैं, म्यूजिक पर क्लिक करके म्यूजिक लगा सकते हैं आप, यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करके यहाँ से आप कोई टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, और विजेट पर क्लिक करके यहाँ से अगर आप कोई वेबसाइट का लिंक देना चाहे वो लिंक दे सकते हैं। जैसे अगर कोई आपने देखा होगा सब्सक्राइबर काउंट की जो लाइव स्ट्रीम होती है वो यहाँ पर लिंक डालकर आप उसकी लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। अगर आपको स्क्रीन कास्ट करनी है यहाँ पर स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन है, यहाँ से स्क्रीन अगर आपको शेयर करनी है किसी अलग ऐप में जाके तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको डिस्प्ले और का ऑप्शन है, इसे आपको ओपन करना है। यहाँ से इसे परमिशन दे देनी है, उसके बाद यहाँ से आप जो लाइव स्ट्रीम है अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहें स्क्रीन को आप शेयर कर सकते हैं। उससे अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें शेयर करें, और अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट करके पता कर सकते हैं।